And the government of Andhra Pradesh, shortfall to be worked out, which will be due to before 29th February 2020, the compensation received only 14,054 crores. Sir, how much does the central government owe Andhra Pradesh government for the SGST? When should the Andhra Pradesh government expect the payment of this fund? After 5 years. Mr. Rashi, one nation, one tax. जीएसटी एक बहुत बड़ी रिफॉर्म भारत में हुई है और आज तक की सबसे बड़ी रिफॉर्म्स में से एक है। इसमें से अधिकतर निर्णय सारे सर्वसम्मति के साथ लिए गए और केवल जो लॉटरी वाला विषय था पीछे, उस पर वोटिंग करने की जरूरत पड़ी, वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड और स्टेट रन लॉटरी पर 28% जीएसटी लगेगी, वो एक अलग विषय है। इसके अलावा आज तक जितना कंपनसेशन देना था राज्यों को देते गए और जो ड्यू भी है उसके बारे में वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि इट इज डिसाइडेड टू ट्रांसफर द जीएसटी कंपनसेशन फंड बैलेंसेस ड्यू आउट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द ईयर 2016-17 एंड 17-18 टू इंस्टॉलमेंट एंड हियर इन आफ्टर द ट्रांसफर टू द फंड वुड बी लिमिटेड ओनली टू द कलेक्शन बाय द वे ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस। Sir, at present the taxpayers and accountants are complaining about the failures of GSTN in providing proper network support for filling of the returns. What are the steps initiated by to resolve the GSTN network issues? Whether any steps towards the establishment of statewide returns establishment initiated? And also my supplement is part 2A B, sir, whether the government in your demand of All India Insurance Employers Association for the withdrawal of GST from lifetime insurance policy. Thank you, sir. सर, जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है, जीएसटी काउंसिल में निर्णय इसका किया जाता है और जहाँ तक जीएसटीएन नेटवर्क को और सुधारने की बात है तो मैं आपके सुझाव को पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ। जो भी उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है उसकी और जीएसटी लगातार काउंसिल उसकी ओर प्रयास भी कर रही है। कोता प्रभाकर रेड्डी, प्रश्न संख्या 6। थैंक यू सर, थैंक यू गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। सर, इन व्यू ऑफ जनरल स्लो डाउन द इकोनॉमी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनसेशन इज इंक्रीज्ड द रेवेन्यू कंपनसेशन केसेस इज नॉट सफिशिएंट सर। Our Telangana state need to financial support from the center to take the forward developmental project, sir. Sir, my supplementary question, sir. By when the central government will pay the GST compensation to Telangana state, which is due to from November 2019 to January 2020, and also what steps is that taken the government in taking to remove the confusion or stabilize the GST system, sir? Thank you, sir. सर, पहली बात तो मैं कह दूंगी, अगर आप पिछले 3 महीनों में देखेंगे तो लगातार जीएसटी की कलेक्शन बढ़ी है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुई है, 1,03,000 करोड़ से लेकर 1,10,000 करोड़ तक पहुंची है। इसके अलावा सर, जो कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स है, इसको हम 3 इंस्टॉलमेंट में अप्रैल से जून तक 15% देते हैं, जुलाई से जनवरी तक लगभग 50% हम इसको 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देते हैं और 4 इंस्टॉलमेंट में 35% फरवरी से मार्च तक देते हैं। सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस को सर हम 14 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देते हैं और आगे भी इसको जारी रखेंगे। 20 तारीख को अगर हमारे रिटर्न फाइल होकर टैक्स कलेक्शन वहां तक होती है तो सर सेम डे उसकी वापस कंपनसेशन भी दी जाती है। डॉक्टर टी सुमिधि, प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? टी बालू जी, आप तो नहीं बोलना चाहते ना? टी सुमिधि जी, नो। श्री मरगनी भारत, टी सुमिधि जी, यस।
important question regarding question number 5. In the recent meeting of GST Council, justify the objective of the cooperative federalism when the taxes is collecting in the form of cesses. How can you justify it, sir? Yes. I think the sir. जितनी भी कंपनसेशन है जो सेस कलेक्ट किया जाता है उसमें से दी जाती है और आगे भी जितना सेस कलेक्ट होगा उसमें से दी जाएगी। नागेश्वर राव थैंक यू स्पीकर साहब। साहब इसमें वो क्वेश्चन जो डाला है वो क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर ने मंत्री ने नहीं दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में जो पॉइंट वेरी क्लियरली जो है जीएसटी का आईजीएसटी का अमाउंट पेंडिंग ऑफ ईच स्टेट एट प्रेजेंट, उसके बारे में तो आंसर में तो कुछ भी नहीं दिया है, आंसर बिल्कुल नहीं दिया। अभी हमारा जो पॉइंट है, हमारा मुख्यमंत्री साहब ने गवर्नमेंट को लेटर लिखा है, बाद में हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी जो जाके बात किया है, हमारा सेट को करीब करीब जो है ना 5,000 करोड़ का जो है ना जीएसटी आईजीएसटी का पेंडिंग इश्यूज है और ये जो पैसा टाइमली रिलीज नहीं करने का वजह से स्टेट का डेवलपमेंट सब इफेक्ट पड़ रहा है। उस दिन जो है ना ऑनरेबल स्पीकर आप हम लोग भी अलाउ करने का वजह से ये हाउस में करीब करीब जो है ना 10 पार्टी का जो है ना नेता लोग हम लोग खड़ा किया था, उस टाइम में ये प्रॉमिस किया था जीएसटी आईजीएसटी ने तुरंत रिलीज करेगा बोल के। अभी भी जो है जो क्वेश्चन को जो क्या क्या पेंडिंग है स्टेट का उसके बारे में नहीं बताया। अभी तो हमें गवर्नमेंट को यही मांगना चाहता है तुरंत जो है ना हमारा तेलंगाना स्टेट का जीएसटी आईजीएसटी का पेंडिंग अमाउंट करीब करीब 5,000 करोड़ को तुरंत जो है ना उसको रिलीज करे, आपका माध्यम से जो है ना ये गवर्नमेंट को हम डिमांड करना चाहता है। थैंक यू सर। सर इन्होंने डिमांड की है लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि परसों ही वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इट इज डिसाइडेड टू ट्रांसफर द जीएसटी कंपनसेशन ऑफ द फंड बैलेंसेज ड्यू आउट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द ईयर 2016-17 एंड 17-18 टू इंस्टॉलमेंट सर। हेयर इन आफ्टर ट्रांसफर टू द फंड वुड बी लिमिटेड ओनली टू कलेक्शन बाय वे ऑफ द जीएसटी कंपनसेशन सेस सर। सात ऊर्जा जागो ना चंद्रशेखर साहब। चंद्रशेखर जी साहब सर बिठाओ, आभारी हूँ आपने मुझे मौका दिया। सर वेदर जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर लास्ट 4 मंथ्स टू ओडिशा। सर ओडिशा स्पेसिफिक लास्ट 4 मंथ्स जीएसटी हैज नॉट बीन पेड। सर मैं मंत्री से आग्रह करता हूँ, मंत्री महोदय उसमें थोड़ा क्लेरिफाई करें, 4 मंथ्स हुआ दिया नहीं जीएसटी। सर रीजन क्या है इसका, इसका रीजन क्या है कि फोर अध्यक्ष जी मैंने इसका उत्तर पहले भी दे दिया, सबके प्रश्न सेम ही है। मैंने ये भी कह दिया जितनी कंपनसेशन है उसको 2 इंस्टॉलमेंट में दे दिया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर सिक्स श्री महोदय भगवान कुबा जी प्रश्न नंबर छह माननीय अध्यक्ष जी उत्तर सभा पटल पर अध्यक्ष महोदय धन्यवाद वित्त मंत्री ने जो बैंकों में हुआ होने वाला जो धोखाधड़ी के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था उसके बारे में सविस्तार उन्होंने जवाब दिया है इसी के लिए वित्त मंत्री जी को मेरा धन्यवाद देता हूं और मैं मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि 100 करोड़ से ज्यादा होने वाला जो फ्रॉड है उसका फ्रॉड और डिटेक्शन के समय कम से कम 55 महीने लग रहा है इसी के लिए आप उस जल्दी से जल्दी डिटेक्शन हो और उसके ऊपर कार्रवाई हो और आगे होने वाला फ्रॉड धोखाधड़ी कम हो इसके बारे में कोई कार्रवाई आपने किया है ये मैं पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी अगर आप देखेंगे यूपीए के समय से जो बैंकों की हालत थी और जिस तरह से उस समय लोन देने का काम किया गया था उससे एक काम तो बड़ा लोन का वितरण भी इन्होंने ज्यादा किया और फ्रॉड भी उस समय में ज्यादा होने शुरू हो गए थे जिसका कारण ये हुआ उसका प्रभाव ये पड़ा कि उसमें एनपीए लगातार बढ़ते चले गए और उसके लिए हमारी जब सरकार आई तो उस समय के वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी ने एसेट क्वालिटी रिव्यू की शुरुआत की और इसमें एसेट क्वालिटी रिव्यू जब बैंकों की शुरुआत हुई तो बैंकों में जो एनपीए कारपेट के नीचे दबा कर रखे जाते थे बाहर नहीं आने दिए जाते थे उनकी रीस्ट्रक्चरिंग रीफाइनेंस करने का अवसर उनको बार बार दिया जाता था। मैं यही कहना चाहता हूं हमने वो ऐसा नहीं किया हमने एसेट क्वालिटी रिव्यू करके वो सारे जितने एनपीए थे उसको बाहर लाने का काम भी किया और जो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के खाते हैं उनको भी अगर पहले फ्रॉड की श्रेणी में आता है तो उसकी जांच करवाने की बात कही जो माननीय सदस्य ने कहा कि अगर उसमें समय ज्यादा लगता है उसको समय कम करना चाहिए अब उसमें भी जो रिसेंट नोटिफिकेशन है कि सस्पेक्टेड फ्रॉड वाली श्रेणी में उसको लाया जाए उससे भी फर्क पड़ेगा और इसमें एनपीए अकाउंट जैसे मैंने कहा कि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की जांच होगी आपको जानकर प्रसन्नता होगी माननीय अध्यक्ष जी और सदन को भी कि जो इसकी संख्या थी फ्रॉड की अगर आप देखेंगे पहले मैं एनपीएस की बात करूं तो एनपीए भी 8.96 लाख करोड़ से कम होकर 7.27 लाख करोड़ हुआ है पहले तो एनपीए में भी कमी आई है ये भी इसके कारण हुआ जो सरकार ने कदम उठाए हैं इसमें लगभग 1,68,305 करोड़ रुपए के एनपीए में कमी आई है और जहां तक फ्रॉड की बात है माननीय अध्यक्ष जी ये भी आंकड़ा बहुत अच्छा है जिसको मैं सभा पटल पर रखना चाहूंगा और माननीय सदस्यों की जानकारी में लाना चाहूंगा कि लगभग 1,68,000 करोड़ के फ्रॉड जो पहले 2014 में डिटेक्ट किए गए थे उसमें भारी गिरावट आई है और ये 0.58% से कम होकर 0.04% तक आए हैं ये अपने आप दिखाता है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं आरबीआई ने जो निर्देश दिए हैं उससे फ्रॉड की श्रेणी में पहले अकाउंट से 50 करोड़ से ज्यादा के जो अकाउंट है उनको लेकर जैसे ही इसकी जांच शुरू होती है इसमें भारी गिरावट फ्रॉड में आनी शुरू हुई है मुझे लगता है इसका लाभ बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिल रहा है। ये हेमंत पाटिल मलुक नागर जी बोला रहे सब जो माननीय सदस्यगण आप जिस विषयों पर भी आप नारे लगा रहे हैं उन सारे विषयों पर चर्चा माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं अगर आप इस लोकतंत्र के अंदर
जनता की बात को उठाना चाहते हैं तो पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मैं आपको दूंगा। नंबर कोई समय की कमी नहीं रहेगी, आप पर्याप्त समय में बोलना चाहते हैं। ये लोकतंत्र का मंदिर तो आप सबका है, ये संसद आप सबकी है, आपको जनता ने यहाँ पर अभिव्यक्ति के लिए भेजा है और मेरी जिम्मेदारी है आपको अभिव्यक्ति की पूरी आजादी मिले। इसलिए मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ कि लोकतंत्र की मर्यादाओं को बना के लिए आप सभी माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजें। मलुक नागर जी, अब ये जो मैं जानना चाहता हूँ इस मंत्री जी से कि जितने भी फ्रॉड हुए हैं इस देश में और जिनमें बिजनेसमैन अरेस्ट हुए हैं, तो क्या लोन करने वाले अधिकारी भी उतने ही अरेस्ट हुए हैं या वो कम हैं? अगर वो कम है तो ये भेदभाव क्यों है? सरकार उन अधिकारियों को क्यों बचा रही है जो व्यापारी जेल जा रहे हैं, साथ में बैंक वाले भी उतने ही लोग जेल जाने चाहिए? तो मैं इसकी संख्या जानना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि कृपया वो इसकी संख्या बताएं, बजाय इसके कि गोली मारने के लिए कहते हैं संख्या बताएं इसके। माननीय सदस्य अध्यक्ष जी, पहली बात तो मैं कहूं, जहां तक बैंकों की बात है कि किस तरह से इसमें फ्रॉड में कमी आई है, पीएसबी में अगर 2014 में 4498 केसेस थे जिसमें अमाउंट लगभग 34,722 करोड़ पे थी ऑन द डेट ऑफ ऑकरेंस के हिसाब से, तो उसमें भी कमी आकर 3,962 नंबर हैं और मात्र 18,893 करोड़ पे अमाउंट उसमें है। और रिपोर्टिंग को भी देखा जाए माननीय अध्यक्ष जी, तो 4,639 नंबर से 2014-15 में अमाउंट इन्वॉल्व थी 19,455 करोड़, और इसको भी रिपोर्टिंग बढ़ाई गई है तो उसमें भी लगभग 6,801 नंबर में 71,543 करोड़ हुआ है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि जैसे रिपोर्टिंग ज्यादा बढ़ी है फ्रॉड में कमी आनी शुरू हुई है। यही बड़ा कारण है कि 0.58% से कम होकर 0.04% पे आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए मुझे लगता है सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने जो कदम उठाए हैं वो प्रशंसनीय भी है। और जहां तक व्यापारी अगर कोई फ्रॉड करके जेल में जाता है तो देश का ये पैसा जो है, टैक्स पेयर का पैसा है, उसके साथ कानून को जो निर्णय करना चाहिए वो कानून करेगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे व्यापारी हो। श्री विनायक राव जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से वहां के जो ठेवीदार थे उनकी धोखाधड़ी हो चुकी है। क्या मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय जी से, पीएमसी बैंक के माध्यम से फंसे हुए ग्राहकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से क्या आगे निर्णय लेने जा रहे और कब तक इसके ऊपर उनका निर्णय लेने की संभावना है? माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य भी हैं, महाराष्ट्र से आते हैं और ये भली भांति जानते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो केंद्र सरकार उसमें सीधा नहीं देखती है, और इसके बावजूद वो राज्य का विषय भी है और राज्य में अब आपकी सरकार भी है, मुझे लगता है वहां पर आप भी उचित कदम उठाएंगे। लेकिन जहां तक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बात थी, पूर्व की सरकार के समय उसने उचित कदम उठाए और जिन लोगों ने फ्रॉड में उनकी भूमिका थी उनको जेल में डालने का काम भी किया है और आगे के कदम भी वहां पर उठाए जाएंगे। भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए भी जो एक्ट है उसमें बदलाव लाने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि कोऑपरेटिव बैंक जो हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको भी किस तरह से सुचारू रूप से काम किया जाए। लेकिन मैं यहां तक कहूंगा आरबीआई ने जो उसमें कदम उठाए हैं वो भी अमाउंट को लगातार बढ़ाते चले गए, और अब तक जो स्थिति है 78% लोगों को उनका पूरे का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, और बाकियों के लिए जो प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, उसको अगले कदम उठाकर बाकियों के पैसे से वापस मिले। अभी अध्यक्ष जी जो बजट दिया उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा
कि आगे के लिए जो 1 लाख रुपया लोगों की इंश्योरेंस होती थी बैंक के खाते के लिए, अब उसको 1 लाख की अमाउंट को बढ़ाकर भी 5 गुना बढ़ा दिया गया है, उसको 5 लाख करने का काम किया है, तो भी सरकार ने वो कर दिया है, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।